चलिए स्टूडेंट, एमएस एक्सेस की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एमएस एक्सेस की ये पहली क्लास है और यूनिट फर्स्ट है डीसी पी डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। तो एमएस एक्सेस में सबसे पहले हमको समझना ये जरूरी होता है कि भाई डेटाबेस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। डेटाबेस बिना समझे हम एमएस एक्सेस में काम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, एमएस एक्सेस समझने से पहले हमको डेटाबेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेटाबेस क्या है। तो देखिए, डेटाबेस जो है वो सूचना के संग्रह को हम डेटाबेस कहेंगे। अब यहाँ पर ये डिटेल लिखी हुई है, मैं इस डायग्राम्स के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा कि डेटाबेस है क्या। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक कैंडिडेट है, कि ये यूजर है, और इस यूजर का एक नाम होगा, इसका एक पता होगा, इसका एक मोबाइल नंबर भी होगा, इसकी और भी बहुत कुछ डिटेल होगी। मैंने यहाँ पे 3 ही लिया हुआ है। तो इस यूजर का एक नाम होगा, उसका एक पता होगा, इसका एक मोबाइल नंबर होगा। अगर हम सिर्फ इस व्यक्ति के बारे में बात करें तो जो इस व्यक्ति का नाम है और इस व्यक्ति का जो एड्रेस है और इस व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर है, हम इनको इन्फॉर्मेशन कहेंगे। हम ये बोलेंगे कि इसका नाम ये है, इसका एड्रेस ये है, इसका मोबाइल नंबर ये है। तो इस व्यक्ति की हमको क्या मिल गई? इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना मिल गई कि ये फलाना व्यक्ति है, ये फलानी जगह पे रहता है और इसका ये मोबाइल नंबर है। और उस इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर लेते हैं, या उस इन्फॉर्मेशन को जहाँ पे हमको ज़रूरत होती है वहाँ पर हम उसको नोट कर लेते हैं। माना कि ये व्यक्ति किसी बैंक में गया है, तो बैंक वाले इसका नाम, इसका एड्रेस, इसका मोबाइल नंबर अपने बैंक के कंप्यूटर पे या अपने कहीं पर किसी कॉपी पे इसका नोट करके रख लेंगे, ताकि जब ये दोबारा आएगा तो इसकी पहचान की जा सके कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं है। तो ठीक इसी तरह से अब मान लेते हैं कि ये व्यक्ति कहीं पर एडमिशन लेने गया हुआ है, इंक्वायरी दिया हुआ है। तो जहाँ पर ये इंक्वायरी दिया हुआ है, उस स्कूल या उस कॉलेज का जो व्यक्ति है वो उसकी नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर की जानकारी को नोट करके रख लेता है। तो जो इस व्यक्ति का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर है, हम इसको सिंपल सी भाषा में, साधारण सी भाषा में बोलेंगे कि ये इस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब अगर अब यही व्यक्ति इतने सारे व्यक्ति हो जाए, यानी अब यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या या यूजर की संख्या क्या हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब अब हर एक व्यक्ति का जब हम नाम लेंगे, जब हम हर एक व्यक्ति का, जितने ये व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों का जब हम नाम पता करेंगे, इनका मोबाइल नंबर पता करेंगे, इनका एड्रेस पता करेंगे, तो अब हम इस इंफॉर्मेशन, चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक व्यक्ति था, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो हम जब इन एक से ज़्यादा व्यक्तियों की सूचना को कलेक्ट करेंगे, तो जो कलेक्ट होकर के हमको मिलेगा, अब हम उसको सूचना न बोल करके या इन्फॉर्मेशन न बोल करके हम उसको बोलेंगे कि वो डेटाबेस है। तो डेटाबेस सिंपल आप समझ पा रहे होंगे कि जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस इन्फॉर्मेशन को हम डेटाबेस कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी देखिए यहाँ पे ढेर सारे व्यक्तियों का हमने क्या किया? कलेक्शन किया। क्या कलेक्शन किया? इन्फॉर्मेशन। हमने बहुत सारे लोगों का कलेक्शन किया इन्फॉर्मेशन, और कलेक्शन करके कहीं ना कहीं पे किसी जगह पे आके स्टोर कर दिया। ये जो हमने, हम यहाँ पे जो है, हमने इसको इस डेटाबेस, ये कंप्यूटर हो सकता है, ये एक सर्वर हो सकता है, ये एक बैंक हो सकता है, ये एक कॉलेज हो सकता है, ये एक दुकान हो सकती है, तो ये कुछ भी हो सकता है जहाँ पे हम डेटाबेस इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब चूंकि हम कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर की बात करेंगे कि ये जो डेटाबेस स्टोर हुआ है, ये किसी न किसी कंप्यूटर, किसी न किसी सर्वर पर आके स्टोर हो गया है। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को एक साथ डेटाबेस कहते हैं। इसे हम एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आधार कार्ड का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति का आधार कार्ड हमारे हाथ लगा, या एक व्यक्ति ने अपना आधार कार्ड हमें दिखाया, तो हमने उसके आधार कार्ड से उसकी पहचान किया कि भाई उसका नाम ये है, उसका एड्रेस ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है, उसका फोटो ये है, उसके पापा का नाम ये है। हमने उसके आधार कार्ड से ही पता लगा लिया। तो उस व्यक्ति की हमने क्या कलेक्शन कर लिया? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया।
तो ये यहाँ पे एक व्यक्ति था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बोला कि उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई उस एक व्यक्ति की। लेकिन अब यदि भारत की 130 करोड़ जनसंख्या, हमारा भारत की 130 करोड़ जनता का यदि आधार कार्ड लिया जाए, मान लेते हैं कि 130 करोड़ की ये जनता है, और ये 130 करोड़ की जनता का जब हम नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट होने के बाद जो हमारे पास मिलेगा, जो हमारे पास कलेक्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस बोलेंगे, ना कि इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जब 130 करोड़ लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस जब एक ही जगह पे इकट्ठा होगा, तो वो कितना इन्फॉर्मेशन, यानी उन इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा और कितना सारा हो जाएगा, जिसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस जनरली इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे डेटाबेस कहते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जो डेटाबेस होता है उसको कहीं ना कहीं पे हमको रखना जरूरी होता है, हमको उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना जरूरी होता है। जैसे आप एग्जांपल देखें, जब आप किसी बैंक में पैसा जमा या निकालने जाते हैं, जो पर्ची भरते हैं, उस पर्ची को उस बैंक मैनेजर इकट्ठा करके रखता है। क्यों इकट्ठा करके रखता है? ताकि उसका बाद में कलेक्ट करके उसके हिसाब किताब कर सके कि इतने लोगों ने पैसा निकाला, इतने लोगों ने जमा किया, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। अगर वो बैंक मैनेजर आपकी जानकारी को कलेक्ट ना करे, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन अशुद्ध हो जाएगा, उसको उसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी, उस बैंक को पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। अब वो बैंक मैनेजर उस पर्ची को कागज के रूप में, इन्फॉर्मेशन को कागज के रूप में इकट्ठा करके रखता है, जो हम पर्ची जमा करते हैं या पर्ची पैसा निकालने के लिए जमा करते हैं या पैसा जमा करने के लिए पर्ची भरते हैं। तो इसी तरह से अगर आप किसी स्कूल या किसी कॉलेज में जाते हैं, तो आपसे सामने वाला नाम पता पूछता और कॉपी में नोट करके रखता है। तो इससे साफ समझ में आ रहा कि इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखना बहुत जरूरी होता है। तो चूंकि अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो इसको किसी कागज या पेपर पे स्टोर करके तो रखा नहीं जा सकता, इसलिए क्या यूज किया जाता है? कंप्यूटर यूज किया जाता है, और कंप्यूटर पे इन सभी डेटों, इन सभी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस के रूप में स्टोर करके रखा जाता है। अब हमें पता है कि कंप्यूटर में हर काम के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का होना जरूरी होता है, बिना सॉफ्टवेयर के हम उस कंप्यूटर में वो काम नहीं कर सकते। कहने का मतलब, अगर मुझे कंप्यूटर में टाइपिंग करना है तो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अगर मुझे कंप्यूटर में गाना सुनना है तो गाना सुनने का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसे ही यदि मुझे अपने कंप्यूटर में डेटाबेस रख के उसमें काम करना है तो मेरे कंप्यूटर में डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी मैं उस डेटाबेस में काम कर पाऊंगा, अदरवाइज काम नहीं कर पाऊंगा। यानी मेरे पास इतने सारे लोगों की जानकारी आके इकट्ठा कर लिया है मैंने कंप्यूटर में, तो वो जानकारी हम कहाँ पे इकट्ठा करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी होता है, जिसको बोला जाता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर देखिए बहुत सारे होते हैं, जिनमें से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एमएस एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। हम एमएस एक्सेस के थ्रू जो है इन कस्टमरों की, इन लोगों की जानकारी को डेटाबेस के रूप में संग्रह करके रख सकते हैं और उसके साथ मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट मतलब उनकी जानकारी को हम सुधार सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको कहीं से कोई जानकारी उठा के कहीं दूसरी जगह पे ले जाके रख सकते हैं। तो इस तरह से एमएस एक्सेस यूज होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर के रूप में। ऐसे यूज होता है ओरेकल, फॉक्स प्रो, माई एस वाई बेस, माई एस पी एल, ये सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर पर होना जरूरी होता है। यदि हमारे कंप्यूटर पर ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम जो है कोई भी डेटाबेस में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे कंप्यूटर पर कोई ना कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेटाबेस का रूप बहुत बड़ा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा। फिर से एक बार देखते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति की नाम, पता या मोबाइल नंबर होता है तो हम उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं,
और जब बहुत सारे लोग जहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में जब वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है और हो जाने के बाद जब हम उसको कहीं ना कहीं किसी जगह पर स्टोर करते हैं किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, तो उसको डेटा बेस कहते हैं। तो डेटा बेस, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि डेटा बेस क्या है। तो डेटा बेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम डेटा बेस कहते हैं, और उस डेटाबेस को किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टोर करके ही कंप्यूटर में रखा जा सकता है, बिना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको मुख्य दो बातें समझना है, पहला ये कि डेटाबेस क्या है, दूसरा ये कि उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या होना जरूरी है हमारे कंप्यूटर में। तो पहला डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस हुआ। दूसरा, इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी हम उस डेटाबेस को मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।